दोस्तों अगर आप भी जडेजा और रोहित शर्मा को एक महान बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के पांचवे दिन बारिश की वजह से रुक गया था मुकाबला। अंत में जाकर ड्रॉ करने की बजाय आईसीसी ने करवाया 5-5 ओवर का मैच। भारतीय टीम थी मुसीबत में जब अंतिम दो गेंदों में जीतने के लिए चाहिए थे 12 रन, तब रोहित शर्मा और जडेजा ने मिलकर ऐसे पलटा हारा हुआ मुकाबला कि देखकर पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5-5 ओवर की पूरी हाईलाइट वीडियो में तो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, जडेजा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच आखिरकार दूसरा टेस्ट मुकाबला अब समाप्त हो चुका है, जहां भारतीय टीम और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले के पांचवे दिन जरूर बारिश ने दखल दिया, लेकिन दोस्तों आखिरकार एक टीम का जीतना तो मैदान पर तय था और इसी का फैसला आईसीसी द्वारा नियम के तहत किया गया। हुआ ये कि दोस्तों जब चौथे दिन का मुकाबला समाप्त हुआ था तब भारतीय टीम ने 181 रन बनाकर वेस्टइंडीज की टीम के आगे लक्ष्य रखा था 365 रन का। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला वेस्टइंडीज के हित में भी जा सकता है। हुआ ये कि वेस्टइंडीज के कप्तान क्राइग ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और यहां पर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 438 रन बनाए थे और जवाब में उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 255 रन पर ही ढेर हो गई और फिर 181 रन जड़कर भारत ने स्कोर को 365 रन तक पहुंचा दिया। और क्राइग ब्रैथवेट और तेज नारायण चंद्रपोल जब मैदान पर उतरे तो यहां पर पहला बड़ा झटका क्राइग ब्रैथवेट के रूप में वेस्टइंडीज की टीम को लगा, जो कि 52 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक तेज नारायण चंद्रपोल ने मात्र 24 रन की पारी खेली थी। तो वहीं किर्क हेन्री ने 0 रन बनाए और रविचंद्रन अश्विन ने उनको अपने जाल में फंसा लिया। हालांकि यहां पर जर्माइन ब्लैकवुड ने जरूर 20 रन की पारी खेलकर नाबाद बने हुए थे। और चौथे दिन वेस्टइंडीज की टीम ने 76 रन बना लिए, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर, और टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए लगभग 8 विकेट की और जरूरत थी। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था यह मुकाबला तो भारत के हित में पांचवे दिन जाना बेहद ही मुश्किल होगा। हुआ ये कि मैदान पर बारिश ने दस्तक दे दी। हालांकि बारिश पहले सेशन, दूसरे सेशन और तीसरे सेशन तक होती रही, जिसके चलते एम्पायर ने अंत में जाकर फैसला किया अगर बारिश शाम के 6 बजे तक त्रिनिदाद के समय अनुसार रुक जाती है तो 5-5 ओवर का मुकाबला करवा के विजेता टीम का ऐलान किया जाएगा। और दोस्तों यहां पर टेस्ट क्रिकेट में आज से पहले ऐसे विनर कभी भी नहीं निकाले गए हैं। और यहां पर यह फैसला जब लिया गया तो 6 बजे के लगभग बारिश रुक चुकी थी और यहां वेस्टइंडीज की टीम और भारत की टीम को मात्र 5-5 ओवर का मुकाबला खेलकर यह फाइनल करना था कि कौन सी टीम मैच जीतेगी। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए यह करना आईसीसी का एक बड़ा कदम था। जी हां दोस्तों, यहां पर वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां 5 ओवर के मुकाबले में धुआंधार प्रदर्शन कर दिखाया। हुआ ये कि जब क्राइग ब्रैथवेट और तेज नारायण चंद्रपोल मैदान पर उतरे तो यहां पर क्राइग ब्रैथवेट ने जहां 7 गेंदों में 32 रन जड़ डाले तो वहीं उनका साथ निभाने वाले तेज नारायण चंद्रपोल ने 12 रन बना लिए होते हैं, लेकिन यहां उनको अपने जाल में रविचंद्रन अश्विन फंसा लेते हैं, जिसके चलते तेज नारायण चंद्रपोल के रूप में पहला बड़ा झटका वेस्टइंडीज की टीम को लगा। अब 1 विकेट गिर जाने के बाद फिर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले एडलिक एथरनाजे को मैदान पर उतारा जाता है, जो कि आते से ही 2 छक्के जड़कर भारतीय टीम का मनोबल और कमजोर कर देते हैं। लेकिन इस बीच मोहम्मद सिराज की अगली गेंद पर चौका वो बाउंड्री की तरफ डीप कवर्स में चढ़ने के बाद थोड़ी बहस करते हुए नजर आए भारतीय खिलाड़ियों से और फिर क्या था, यहाँ पर उनका गुस्सा उनको ले डूबा। यहाँ आज के इस मुकाबले में एलिक एतरनाजे ने 22 रन की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं फिर कहीं जाकर वेस्टइंडीज की टीम ने अंत में 6 रन और बनाए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम आज के इस मुकाबले में 72 रन 5 ओवर में बनाने तक कामयाब रही। अब भारत को मैच जीतने के लिए 73 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया के पास विकल्प तो बेहतर मौजूद थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि भारतीय टीम उस वक्त फंस जाएगी जब टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हुआ ये कि जब भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए तो यहाँ पर रोहित शर्मा भी बड़े शॉट लगा सकते हैं और यशस्वी जायसवाल भी, लेकिन यहाँ पर यशस्वी जायसवाल इस दबाव को झेल नहीं पाए और आज के इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने मात्र 4 रन की पारी खेली और भारतीय टीम को यह पहला बड़ा झटका लगा। तो वहीं यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के तुरंत बाद आए मैदान पर शुभमन गिल भी अपना विकेट गवा देते हैं, जो कि अल्जारी जोसेफ का शिकार बने और 10 रन पर उनकी पारी यहीं समाप्त हुई। अब भारत को 2 बड़े झटके लग चुके थे, यहां पर ईशान किशन और रोहित शर्मा पर पूरा दारोमदार था मैच जिताने का, लेकिन यहां पर ईशान किशन का भी बल्ला चल नहीं पाता और दबाव में आकर वो भी अपना कैच सीधा जेसन होल्डर को थमा देते हैं और यहां ईशान किशन 14 रन बनाकर आउट हुए। अब भारतीय टीम पर काफी ज्यादा दबाव की स्थिति
की बन चुकी थी। यहाँ पर रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा अब मैदान पर थे। रोहित शर्मा भले 28 रन बनाकर खेल रहे होते हैं और अंतिम ओवर में भारत को जीतने के लिए 16 रन की जरूरत होती है, और यहाँ इस बीच अंतिम दो गेंदों पर जब भारत को जीतने के लिए 12 रन चाहिए थे तब स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा होते हैं, जहाँ पांचवी गेंद पर जुमेल वेरिकन की रविंद्र जडेजा डीप कवर्स की तरफ छक्का जड़ देते हैं और फिर अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर कवर्स की तरफ जडेजा भारतीय टीम को जीत दिला देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में मैच जीता और सभी का दिल भी जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5-5 ओवर का खेला गया यह मुकाबला आपको कैसा लगा, और भले भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह वार्म अप मुकाबला जरूर था लेकिन टीम इंडिया ने इस मुकाबले में जीत हासिल की। बाकी अब आप सभी की क्या राय, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में।